जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं राजस्थान से हूँ सर। ओके, सबसे पहले देवसर को थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आज हमारा पहाड़ जैसा लगता था नेट रिस्ट्रिक्शन जी, बहुत इजी वे में समझाया, बहुत सिंपल वे में समझाया सर जी। कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, बिल्कुल इजी ट्रिक में समझाया सर जी। ठीक है ना, तो मैं नेट रिस्ट्रिक्शन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। कौन सी लाइन क्या होती है अपनी, सबसे पहले अपना डीसी टू डीसी से वोल्टेज आता है टू जीपीओ में, ये अपने एंटीना की लाइन है जी। ठीक है, 4 वोल्टेज आता है, उसके बाद पावर से 1.8 वोल्टेज आता है, फिर सीपीओ को कमांड देता है जो आरएफ एसएलसी एसडीएलसी आता है। ठीक है, उसके बाद आता है 4G में अपना डीसी टू डीसी 4 वोल्टेज डालता है, उसके बाद पावर से 1.8 इसमें आता है सर। ओके, उसी के बाद कमांड की लाइन आती है। ओके, फिर आता है अपना एपीटी, एपीटी से 4 वोल्टेज बन के इसमें 4GPO में जाता है। ओके, ठीक है सर, फिर वापस कमांड की लाइन एपीटी में आती है जी। ठीक है सर, उसके बाद आता है आरएफआईसी, चार लाइन आईक्यू की आती है, जो अपने बेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। और उसके बाद पावर से 1.8 इसमें आता है आरएफ में, और 0.9 आरएफ में आता है सर। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी डीआरएक्स जी, उसी से 1.8 या 2.8 वोल्टेज आता, उसके बाद हमारी कमांड की लाइन आती है सर। थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। चलो चलो अर्जुन, लकी, यस सर, चलो। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो, और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है।